ये हमें लंच ऑफर किया गया है, इसके बाद बस सीधा हमें अपना बैग उठाना है और नीचे चल देना है। ट्रैकिंग समाप्त, इनकी सर्विसेज भी समाप्त। ये हमारे कैंप, ये लास्ट बार आप और देख लीजिए ना, चलो अब खाना खाते हैं और चलते हैं यहाँ से। हमने लंच कर लिया है और अब हम अपने कैंप से वापस जा रहे हैं। ये हमारे कैंप, लंच के बाद पापा जा चुके, पैरों में बहुत दर्द है, थकान भी बहुत हो गई है। चले भाई, ओके भैया, अगर ना कांटेक्ट होगा वैसे तो 2200 रुपये हमारा, और अगर खुद आएंगे यहाँ तक बिना गाइड के तो 1200 रुपये है, बिना गाइड के। अगर गाइड भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए देहरादून से, तो क्या है 2200 है, और अगर गाड़ी खुद की आएंगे अपने आप आएंगे तो 1200 रुपये अपन थोड़ी सी यहाँ तक। ओके ठीक है ना, ठीक है। चलो भाई, कौन आप जा रहे हो? चलो भाई, और जो हम नीचे जा रहे हैं, क्या जगह है वो? पंतवड़ी। देखिए हमें वहाँ नीचे जाना है, वो जगह। बेहद मजा किया हमने इस ट्रैक पे और काफी मजा आया भी। काफी लोग इधर आ भी रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है इसलिए, और हम वापस जा रहे हैं। बहुत सुंदर, ये हमारा ट्रैक देखिए कितना खतरनाक है जिससे हम वापस जा रहे हैं। एक चूक और हम गए नीचे। वो तो कहाँ भाग गया? हमें नहीं जाना देहरादून तेरी स्पीड में। हम तो आराम आराम से जाएंगे भैया, दुर्घटना से देर भली, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, और क्या। हाँ, हाथ पैर टूटेंगे हमारे, टूटेंगे और थोड़ा सा ज्यादा स्लिप हो गए तो दुनिया से ही टूट लेंगे। हम अपना ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं और ऊपर से नीचे आ चुके हैं। ये वही गांव है जहाँ से हम होते हुए अपने बेस कैंप गए थे। अब हम पंतवटी, जो भी सही इसका उच्चारण है वो आप देख लीजिएगा। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम बाहर भी आ चुके हैं जो मेन रोड है उसके पास। ये वो कहाँ, और हम ऑलमोस्ट रोड के पास हैं, यही पास में रोड है, यहाँ से हम नीचे कैब हमारा वेट कर रही है और कैब लेकर हम सीधा देहरादून, और आज हम देहरादून स्टे करने वाले हैं। फिलहाल अभी होटल तो हमने फाइनल नहीं किया है, ये है वो मेन रोड, और देखिए हम आ गए।
अब यहाँ से हम जाएंगे वापस। अब हम वापस जा रहे हैं देहरादून के लिए। हम उठ चुके हैं और अभी 9 बज रहा है। हमने देहरादून स्टे किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड हो गया और साथ ही पूरी बॉडी पे भी पेन है क्योंकि हमने 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग की है। उसमें काफ़ी वो पेनफुल रहा, ऊपर से ठंड भी थी। अब हम यहाँ से रेडी होकर ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ हमने कैब बुक कर रखा है। हम ऋषिकेश आ गए। हमने एक्चुअल में गवर्नमेंट बस ली थी तो उसमें उतना ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि वो पूरी तरह से भरी हुई थी। फिलहाल हम ऋषिकेश में भी सिकरी आ गए, यहाँ हमारा कैंप है और फिर हम रिवर राफ्टिंग के लिए जाएंगे। ये हमारा आज का प्लान है, फिर रात में न्यू ईयर पार्टी करते हैं। देखिए कितना टूरिस्ट इस टाइम आया हुआ है। अब हम अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सामने गंगा नदी और ये और भी कैंप है। यहाँ लाइन से कैंप बने हुए हैं अलग अलग। मेरे को फ़ोन नीचे रखना पड़ेगा, रोड रास्ता काफ़ी ख़राब है।